खबर रीवा से। समान पुलिस द्वारा जबरन मारपीट करने एवं गंभीर अपराध में फंसा देने की धमकी से डरे सहमे पीड़ित एसपी कार्यालय के सामने बैठे अर्धनग्न। खबर मध्य प्रदेश के रीवा की, जहां समान थाना क्षेत्र में गाड़ियों को लगाकर 20-30 रुपए एकत्रित करके रोजाना 200-250 कमाने वाले श्रमिक ने एसपी कार्यालय के सामने अर्धनग्न होकर धरने पर बैठ गया है। पीड़ित का आरोप है कि समान पुलिस के द्वारा उसके साथ आरोपियों के कहने पर थाना में बुलाकर जमकर मारपीट की गई है। ज्ञात हो कि विगत 27 जुलाई को पीड़ित ने मारपीट की तरफ समान थाने में दर्ज करवाई थी। इसके लिए समान पुलिस ने पीड़ित को कथन के लिए कल देर शाम बुलाया गया। पीड़ित का आरोप है कि समान थाने के अंदर आरोपी पहले से ही बैठे हुए थे, वहीं पीड़ित को बुलाकर उन्हें आरोपियों के सामने मारपीट की गई, जिसके विरोध में आज 10 अगस्त को एसपी कार्यालय के सामने कपड़ा उतार कर धरने पर बैठ गए हैं। पीड़ित धीरेन्द्र कुमार शर्मा, पिता श्री संतोष कुमार शर्मा, उम्र 27 वर्ष, पेशा परिचालक, निवासी ग्राम गंगेव के साथ समान थाना क्षेत्र में दिनांक 27/7/2021 को उत्तम सिंह, शिवम पांडे एवं दर्शन सिंह ने मारपीट किया था। पीड़ित की गाड़ी का कोच तोड़ दिया था, जिसके थाने में आवेदन दिया। वह सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी। पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही थी और पीड़ित ने बताया कि मुझसे 10,000 रुपए की मांग की जा रही थी। दिनांक 9/8/2021 को थाने में मुझे कथन लेने के लिए बुलाए। जब मैं थाने गया तब आरोपी शिवम पांडे, दर्शन सिंह व उत्तम बैठे थे। जैसे ही मैं कथन लिखाना शुरू किया तो पुलिस वाले प्लास्टिक की नीली पाइप लेकर मेरे साथ मारपीट करने लगे और बोले, उक्त आरोपी कोई अपराध नहीं किया है, मैं जैसा बोल रहा है वैसा लिखवाओ, तुम्हारे आवेदन पर FIR दर्ज करूंगा, नहीं तो तुम्हारे व तुम्हारे मालिक के ऊपर उल्टा मुकदमा दर्ज करूंगा। क्या कह रहे हो जी? ना हमारा बाजार बंद है। ए चला बाजार जी। बताएं भैया, आज अनशन पे एसपी कार्यालय के सामने जी, क्या वजह है? कल हमारे साथ घटना हुई थी। हमको थाना क्षेत्र अंतर्गत मैं गाड़ी बुक करता हूँ, बुकिंग करने के बाद गाड़ी छोड़ देता हूँ। जो जिस गाड़ी बुक करता हूँ 50 रुपये, किसी से 30 रुपये, 20 रुपये मिल जाता है, 200-250 में कमाता हूँ और इसके बाद घर चला जाता हूँ। मैं गाड़ी बुक कर रहा था तभी TI साहब का फ़ोन आया कि उनको थाने भेजो। किस थाने के TI का फ़ोन आया? समान थाने का। कौन है समान थाना प्रभारी? ये सुनील गुप्ता जी। हाँ, उन्होंने बुलाया, खान साहब करके सिपाही थे, उसके द्वारा फ़ोन लगाया गया कि आपको कथन देना है। तो कथन हम देने गए तो वहाँ पे उत्तम सिंह, शिवम सिंह और दर्शन सिंह, शिवम पांडे, वो ऑलरेडी। ये सब कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? ये वहीं के हैं, रीवा बस स्टैंड के हैं। तो क्या इनसे कोई आपका पुराना विवाद भी था? कोई भी पुराना विवाद मेरा नहीं है। जब आपको बुलाया गया, आप थाने पहुँचे, उसके बाद क्या हुआ? थाने पहुँचे तो TI मुझे, मैं जो सही सी घटना हुई मेरे साथ वो मैं बताने लगा था। TI बोलता है, माता चौथ मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम लिखो और एक कोरे कागज में साइन करवा लिए मुझसे। नहीं तो आखिर घटना क्या थी, किस घटना को लेके आपको बुलाया गया? मैं गाड़ी बुक कर रहा था, गाड़ी के सामने आए और हमको मारना चालू कर दिए। ठीक है, गाड़ी का कांच तोड़ दिए, जिस गाड़ी को मैं बुक करता हूँ। तो फिर थाने में क्या बोला गया? TI साहब बोले, तो मैं जो साफ साफ बताया कि ये घटना हुई मेरे साथ, मेरे साथ मारपीट हुई, मैं आवेदन भी दिया, CM हेल्पलाइन में शिकायत दिया, तो मुझे सीधे पाइप लेके मारना चालू कर दिए। हाँ। और वो लोग तीन लोग कथन लिए, थाना प्रभारी मारपीट करने लगे। हाँ, थाना प्रभारी स्वयं मारे, पाइप चोट लगी है मेरे यहाँ पे और ये कान में खून बहा, कल उसकी भी वीडियो भी है। क्या ये घटना जो पूरी थाने परिसर के अंदर हुई है उसका CCTV कैमरा? बाहर हमको, जहाँ पे कैमरा नहीं लगा था, बाहर हमको कैमरे के अंदर वो लोग बैठे थे। कौन? उत्तम सिंह, शिवम सिंह पांडे, दर्शन सिंह, ये लोग अंदर पहले से, हमारे जाने से पहले बैठे थे।
कथन हमको बुलाया गया था, उसके पहले सिटी आई 10,000 पहले मांग रहे थे, फिर बोलते हैं जो हमको मारे बोले जो जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, 20,000 दो तो मैं मुकदमा काम कर दूंगा, नहीं दोगे तो तुम मालिक को नहीं पता बताओ तो तुम्हारे मालिक पर ऐसे अपराध फंसा दूंगी, जीवन खराब हो जाएगा। किसके द्वारा पैसे की मांग हुई? सुनील गुप्ता द्वारा। अभी नहीं लगाई, मतलब ब्रेकिंग है। क्या नाम क्या है आपका? जीवन कुमार शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? गंगियो। आज अगर आपकी मांगों पर अमल नहीं होता है,